नमस्कार दोस्तों, इंदौरी सिस्टर्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं विद चाइनीज सूप विद चीज एंड मैक्रोनी। और इसके लिए हमें चाहिए 4 से 5 कटे हुए टमाटर, बारीक कटी हुई 1 कप शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई 1 कप पत्ता गोभी, बारीक कटी हुई 1 कप गाजर, 2 प्याज कटे हुए और 4 से 5 कली लहसुन की, 1 कप उबली हुई मैक्रोनी, 1 कप उबली हुई नूडल्स, 1/2 कप ग्रेटेड चीज, 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच टोमेटो केचप, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले हम एक पैन में 2 बड़े कप पानी उबालेंगे, फिर उसमें हम कटा हुआ टमाटर, प्याज और लहसुन डालेंगे। इसको ढककर हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट बाद टमाटर पक के तैयार हो गए हैं, अब इसे ठंडा करके पीसेंगे। पीसे हुए टमाटर तैयार हैं, अब इसे हम छान लेंगे। इतनी सामग्री से 4 से 5 बोल सूप बनकर तैयार होगा। पिसे हुए टमाटर को उबलने रखेंगे, उसमें 1 कप पानी और डालेंगे। सूप में उबाल आने पर हम मैक्रोनी डालेंगे। नूडल्स डालेंगे। एक एक कर सारी सब्जियां डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी सब्जियां गार्निशिंग के लिए हम बचा लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें टोमेटो केचप डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, नमक स्वादानुसार डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे। अब इस सूप को हम 2 मिनट तक उबालेंगे। हमारा सूप बनकर तैयार हो गया है। ये सूप टेस्टी होने के साथ काफी हेल्दी भी है, आप इसे जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।